बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम आमिर मुस्तफ़ा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ आमिर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आज के जो लेसन है उसमें हम सीखेंगे कि हम कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल कैसे करेंगे, कोरल ड्रॉ X6 को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं। कहाँ से डाउनलोड किए? getintopc.com वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये डाउनलोड किए हैं। इसमें से दो फाइलें मैंने डाउनलोड की हैं, एक ये मैंने 32 बिट, मेरा कंप्यूटर है तो 32 बिट को डाउनलोड किया है, और सेकेंड वन फिक्स के नाम से जो है कोरल ड्रा जो है ग्राफिक्स सूट X6। ये फिक्स इसलिए किया है कि बाद में मुझे इसको रजिस्टर भी करना है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आपको प्रॉपरली हर चीज़ समझ आ जाए। बार बार कहूँगा स्किप ना कीजिएगा, बाद में तंग होंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने लगा हूँ। इस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसने मुझसे पासवर्ड पूछा, 123 मैंने पासवर्ड डाला। गेट इन टू पीसी वेबसाइट के तमाम पासवर्ड जो है वो 123 होते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये मेरे पास सामने आ गया कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट। इस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, हम इसको लास्ट में रजिस्टर भी करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको लास्ट में लॉक भी करना है, ताकि ये इंटरनेट पे जाके दोबारा से जो है अनरजिस्टर्ड ना हो जाए, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हमारे पास हो रहा है। अब आप ये देखें कि इंस्टॉल हो चुका है, और नेक्स्ट अब ये हमारे पास अभी डिस्प्ले स्क्रीन इसकी आ जाएगी। इंस्टॉलेशन ये हमारे पास इसकी होगी हुई है, ये अभी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है। ठीक है, ये सामने आ गया कोरल ड्रा ग्राफिक सूट X6। अब हमने इसका नाम याद रखना है, आगे जाके ये चीज़ हमारे पास काम आएगी कि ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है ये कीजन का सॉफ्टवेयर है, और इस कीजन के सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हम यहाँ से हम लोग एक सीरियल जनरेट करेंगे इसके लिए, और बाद में इससे हम लोग वो जो सीरियल है इस सीरियल को दोनों को मैच करके हम लोग एक कोड जनरेट करेंगे। इसलिए हमारे लिए हमारे पास वो भी ज़रूरी है कि हमने उसको भी बाद में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ पेज को, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये इंस्टॉलेशन करनी है तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपने नेट को आपने बंद रखना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के पास ये मैसेज नहीं आएगा, मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मैं इसको सर्वर से इंस्टॉल नहीं कर रहा, सर्वर पर नहीं कर रहा, वर्क स्टेशन पर कर रहा हूं। तो इसने सर्वर का यानी एडमिनिस्ट्रेटर का मुझसे पासवर्ड मांगा था, वो मैंने इसको पासवर्ड दिया है। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास सेटअप आ गया इसका। अब ये सेटअप जो है इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई हुई है। ये लिखा हुआ है कोरल ड्रा ग्राफिक सूट X6 इनिशियलाइजिंग द सेटअप, प्लीज वेट। ठीक, अब ये इंस्टॉलेशन शुरू इसने कर दी है। अब आप देखें कि जिस वक्त ये इसको इंस्टॉलेशन को सबसे अच्छा ये देखें, यहाँ पे इसने हमसे मांगा है कि आप इसको एग्रीमेंट को रीड करें और आप कहें कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नीचे लेके जाता हूँ, और ये देखें स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई एक्सेप्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। आई एक्सेप्ट एक्टिव करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर आपके पास है। मैंने कहा आई हैव अ सीरियल नंबर, कहाँ है सीरियल नंबर, वो मैं कहाँ से लूंगा? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, और यहां से मैंने सीरियल नंबर लेना है। इसने पूछा पासवर्ड, मैंने आपको पहले बताया गेट इनटू पीसी का पासवर्ड जो है वो 123 होता है। ओके का बटन दबाया। ओके का बटन दबाने के बाद यहां पे इसकी इंस्टॉलेशन आई है, ये सूट X6 फिक्स जो है इसको, ये आ गया कीजन एक्जी आ गया। इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, इस पर एक्जी पे डबल क्लिक करने के बाद अब ये एग्जी हुआ है कि नहीं हुआ, मुझ पर डबल क्लिक हुआ सही इतना कि नहीं हुआ, थोड़ी देर देख लेते हैं। मेरे ख्याल में नहीं हुआ, इस पर मैं डबल क्लिक दोबारा कर देता हूँ। अब देखें डबल क्लिक हुआ तो ये ऑन हो चुका है। इसको भी मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इसको भी मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इसको मैंने साइड पर, अच्छा ये दो दफ़ा हो चुका है, एक दफ़ा को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने इसको साइड पर रख लिया है, इसको आपने क्लोज़ नहीं करना, बार बार कहूँगा इसको आपने क्लोज़ नहीं करना, एंड तक क्लोज़ नहीं करना। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले हम सिलेक्ट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास इंस्टॉल करने लगे हैं वो कोरल ड्रा ग्राफिक सूट X6 है। जब उस पर क्लिक किया तो ये उसका सीरियल नंबर आ गया। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाया कॉपी के लिए, और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी दबा के सीरियल नंबर इसको मैंने दे दिया। अब सेम सीरियल नंबर दोनों का हो गया, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट फिर बता रहा हूँ, इसको क्लोज ना कीजिएगा। टिपिकल इंस्टॉलेशन पर मैंने क्लिक कर दिया, अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। क्या वजह है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बार बार कि इसको क्लोज नहीं करना? जैसे जैसे इंस्टॉलेशन हो रही है, साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जब ये कोरल ड्रा X6 ने अपना एक सीरियल नंबर हमें दिया है, द सेम सीरियल नंबर हमने कोरल ड्रा ग्राफिक सूट सॉफ्टवेयर को भी दे दिया,
अब जब वो एक दफा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी रजिस्ट्री में जो है ये सीरियल नंबर इसके अंदर सेफ हो जाएगा। सेफ होने के बाद जो है वो इंस्टॉलेशन कोड जनरेट करेगा। कौन करेगा? ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको मैं हिला रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर अपना एक इंस्टॉलेशन कोड जनरेट करेगा। वो इंस्टॉलेशन कोड हम इस जगह पर डालेंगे और यहां डालने के बाद हम जनरेट करेंगे एक्टिवेशन कोड को, ठीक है। और वही एक्टिवेशन कोड जो हमारा हमारे पास जनरेट होगा वो हम दोबारा वापस इसको देंगे, यानी गिव एंड टेक, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर बता रहा हूं, बस जैसे जैसे कहता जाता हूं वैसे वैसे करते जाएं। और बाद में जब कभी इंस्टॉल करेंगे इसको, 2 या 3 दफा आप इसको देखेंगे तो पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास। ये इतनी आसानी से इंस्टॉल नहीं होता। और इसमें आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, जिस वक्त आपने यहाँ का सीरियल नंबर उधर शिफ्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लें, और अगर उधर से आप इंस्टॉलेशन कोड यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। तो टाइपिंग मिस्टेक बिल्कुल ना कीजिएगा, कैप्स लॉक ऑन करके रखिएगा, अपने नेट को आपने ऑफ रखना है, आखिर तक ऑफ रखना है। इवन दो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आपने ऑफ रखना है, और लास्ट में भी जिस वक्त हमने उसके बाद हमने जाके इसको सिस्टम में जाके इसको हमने वहां से डिस्कनेक्ट करना है नेट से परमानेंटली, ताकि ये कभी दोबारा नेट पे जा ही ना सके, क्योंकि नेट पे जाएगा तो वो वहां से मैसेज आ जाएगा कि फेक आईडी से ये रजिस्टर हुआ है, तो उसके बाद ये आगे नहीं चल सकेगा। तो ये सारी चीजें आपने जहन नशीन रखनी है, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है, ताकि टाइम बच जाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके, और तब तक जो है ये इंस्टॉलेशन होती रहेगी, ठीक है। अभी तक इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है, साथ साथ इंस्टॉलेशन हो रही है। हमारे इदारे में आमिर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कोरल ड्रॉ की इंस्टॉलेशन, फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन, इनका यूज़, इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं, सारी चीज़ें ये हम लोग हर चीज़ कम्प्लीटली सिखाते हैं। यूट्यूब चैनल की क्रिएशन कैसे करनी है, वीडियो को अपलोड कैसे करना है, और उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फाइवर पे अपनी अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकें या अपवर्क पे निकाल सकें। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में से, कोई लोग कोई इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आके, वाह मॉडल टाउन फेज 2 में लाइन नंबर 11, यहाँ पे हमारी अकेडमी है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अबाउट अस में लिखा हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 6 मंथ का हमारा डिप्लोमा होता है, इस डिप्लोमे में आप इस काबिल हो जाते हैं कि घर बैठ के 30 से 40 हज़ार मिनिमम 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 कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल वेलकम है, आप आएँ आके हमारे पास सीख सकते हैं। गर्ल्स बॉयज़ की क्लासेस होती हैं, गर्ल्स की क्लासेस सेपरेट हैं, बॉयज़ की सेपरेट हैं हमारे पास, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत रीज़नेबल चार्जेस हैं, तो आप लोग आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ये कोर्सेज भी करके अपनी लाइफ एक कामयाब ज़िंदगी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये अब आप ये देखें, सामने लिखा हुआ आ गया है कि द इंस्टॉलेशन वॉज सक्सेसफुल। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है, मैंने इसको यहाँ से फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, लेकिन फिर देखें मैंने कीजन को क्लोज नहीं किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, और ये देखें ये सामने कोरल ड्रॉ आ चुका है। मैं एक दफ़ा कोरल ड्रॉ को ओपन कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, क्योंकि अब मुझे इसको रजिस्टर करना है। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ये अभी ओपन होगा। मेरे ख्याल में डबल क्लिक सही नहीं हुआ, अच्छा हो चुका है, ये डबल क्लिक हो गया, ये सामने आ गया लोडिंग एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन को लोड कर रहा है। अब ये देखें सामने, अब इसमें देखें, ये मैंने असल में 2 दफा डबल क्लिक कर दिया, तो इस वजह से ये 2 दफा आ गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यस, अच्छा अब ये देखें इसमें ये लिखा हुआ है एक्टिवेट नाउ, नहीं अगर एक्टिवेट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 30 डेज रह गए, 30 डेज के बाद ये खुद ब खुद दोबारा जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब एक्टिवेशन इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है अदर एक्टिवेशन ऑप्शन, नीचे लिखा हुआ है अदर एक्टिवेशन ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है फोन कॉरल, इस पर क्लिक करता हूँ। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन नशीन रखिएगा। अब उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें ये सीरियल नंबर, इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है SKE, और ये सीरियल नंबर के आखिर में लिखा हुआ है SKE, ये सेम है। मैंने क्यों आपको चेंज नहीं करने दिया, आपको बंद क्यों नहीं करने दिया, अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा तो नया सीरियल नंबर कोई आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बंद नहीं करने दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेशन कोड, और ये लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन कोड। अब इंस्टॉलेशन कोड जो है मैं यहाँ पे कॉपी करने लगा हूँ, ये है XENW, कैप्स लॉक मैंने ऑन कर लिया है,
XENW और उसके बाद डैश है, तो डैश मैंने ये जीरो के साथ जो डैश का बटन है ये मैंने डैश प्रेस किया, उसके बाद 7WNM और उसके बाद फिर मैंने डैश प्रेस किया, उसके बाद TT5Z, फिर मैंने डैश प्रेस किया FDRA, फिर डैश प्रेस किया, उसके बाद 9K3T। अब ये देखें, इसको मैं एक दफा रीचेक कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो ये आसान नहीं है इसको ठीक करना। XENW-7WNM-TT5Z-FDRA-9K3T ठीक हो गया यहाँ। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, ये नीचे मांग रहे हैं एक्टिवेशन कोड, ये कहाँ से एक्टिवेशन कोड आएगा कि ये नीचे लिखा हुआ है जनरेट एक्टिवेशन कोड, इस पर क्लिक किया। अब आप ये देखें एक्टिवेशन कोड जो है ये नीचे आ चुका हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें मैंने यहाँ से एक्टिवेशन कोड जो है इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके कंट्रोल वी दबा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये भी देख लें, ये एक्टिवेशन कोड भी बिल्कुल सेम है, ऊपर ये भी सीरियल नंबर भी सेम है और उसके बाद इंस्टॉलेशन कोड भी सेम है। यहाँ से मैंने कंटिन्यू का जैसे ही बटन दबाया तो यहाँ सामने मैसेज आ गया, थैंक यू योर परचेज इज नाउ कंप्लीट। फाइल सेव करनी है, प्रिंट करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, बस ठीक है, हो गया, ओके ओके। यहाँ से ये नीचे लिखा हुआ है क्लोज, क्लोज कर दिया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है, अब ये सामने मैसेज आ गया कि इसको साइन इन करना है, साइन इन नहीं करना मुझे, क्योंकि मैंने नेट डिस्कनेक्ट इसलिए किया ताकि ये नेट पर ना जा सके। क्लोज कर दिया इसको यहां से, आर यू श्योर, यस, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है लोडिंग और ये सारा कुछ, ये कोरल ड्रॉ दोबारा से ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने साइन इन को क्लोज किया। इसको प्रोडक्ट की को, ये सारा प्रोसेस हमने कर दिया है, मैं इसको अब यहां से इसको क्लोज कर सकता हूं। ये मैंने इस पर क्लिक करके इसको मैंने क्लोज कर दिया है। वीडियो को अभी भी कंप्लीट देखें, आगे मजीद देखते रहें, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि आगे जाके अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं तो आप जाके तंग होंगे, बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें सामने मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। एक तो ये चीज के ये देखें इसको क्रॉस कर दें, एक चीज होगी, दूसरी चीज ये हिंट है, इसको भी यहां से क्लोज कर दें, कर दिया सॉफ्टवेयर, फिर क्लोज करें। अच्छा, अब उसके बाद इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको मैं पिन टू टास्क बार ले आता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसको यूज करना है। ये टास्क बार के ऊपर आ गया। अब मैं इसको एक दफा दोबारा से ओपन करता हूं, जिस तक ये मैंने इसको ओपन किया, अब आप ये देखें ओपन होने के बाद दोबारा ये मैसेज आया, इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद अब ये मेरे पास कोरल ड्रॉ X6 ओपन हो रहा है। इस दफा जो मेरे पास स्क्रीन आई है वो डिफरेंट आएगी, ये देखें दोबारा से एक और नई स्क्रीन आ गई है, इसमें भी ये नीचे चेक लगा हुआ है, मेक दिस द डिफॉल्ट वेलकम स्क्रीन, ये मुझे नहीं चाहिए हर दफा, ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन, ये भी नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने क्लोज कर दिया है, अब ये काम तो यहां से खत्म हो गया, इसको क्लोज करता हूं। अब ये देखें कि ये होगा ये कि जब मैं नेट ऑन करूंगा तो उनको फौरन इसकी कोई जब भी और इसको ऑन करूंगा तो ये नेट पे जाएगा, तो वहां से वो लोग इसको देख लेंगे कि ये फेक आईडी से रजिस्टर हुआ है। तो उससे बचने के लिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, कंट्रोल पैनल पर जाता हूं, कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए बाद मैं सिस्टम एंड सिक्योरिटीज पर जाता हूं और वहां जाने के बाद मैं विंडोज फायरवॉल पर जाता हूं। अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये क्या मैं भूल जाऊंगा, ओके इसको क्लोज करें। सिंपल एक और तरीका भी है, यहां पे गए और यहां सर्च में लिख दिया फायरवॉल FIRE, सिर्फ फाइल लिखा तो ये देखें यहां पे ये लिखा हुआ आ गया विंडो फायरवॉल, इस पर क्लिक किया, ये सेम वही स्क्रीन आ गई है। इसकी सेटिंग्स पर जाएं, एडवांस सेटिंग पर, कहां जाना है, एडवांस सेटिंग पर जाना है और उसके बाद ये जो पासवर्ड मेरे पास आ रहा है आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन नहीं हुआ इस वजह से। अच्छा, अब ये देखें ये सामने ओपन हो चुका है एडवांस सेटिंग, ये लिखा हुआ आ गया विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, आपने इनबाउंड पर क्लिक करना है और उसके बाद गौर से देखें इनबाउंड पर यहां कहीं पे जो है, जैसे ये मैंने एक ब्लॉक किया हुआ फिल्मोरा को, ऐसे ही आपने इसको भी ब्लॉक करना है। इनबाउंड पे क्लिक किया, न्यू रूल पे क्लिक किया और इसको हमने नेट से डिस्कनेक्ट कर देना है। प्रोग्राम सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम है, नेक्स्ट गे, लोकेशन बता देंगे द प्रोग्राम पाथ, यहां से लोकेशन बता रहा हूं, ब्राउज पे गया हूं, ब्राउज पे जाने के बाद कहां पे इंस्टॉल किया हमने, सी ड्राइव में इंस्टॉल किया। अब सी ड्राइव किस में इंस्टॉल किया हमने, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल किया। प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या चीज इंस्टॉल किया, कोरल किया है, कोरल पे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अब ये लिखा हुआ है X4 और ये लिखा हुआ है X6,
तो मैंने X6 इंस्टॉल किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है तारीख 23 दिसंबर 2021 और 6:09 हुए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 23 दिसंबर 2021, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब आगे मैंने इसकी फाइल पर जाना है, नहीं मिल रही, भूल गया, ये लिखा हुआ है सर्च कोरल ड्रॉ, मैंने यहाँ पे लिख दिया COREL, कोरल, अभी मैंने कोरल ही लिखा है तो ये मेरे सामने आ गया कोरल, ये ग्रीन वाला आ गया और ये रेड वाला आ गया। अब ये ग्रीन जो है ये हमारे पास कोरल ड्रॉ है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ये पूरा पाथ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट का बटन दबाना है, नेक्स्ट के बाद ये नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक द कनेक्शन, कनेक्शन को ब्लॉक कर दें, फिर नेक्स्ट का बटन दबाया, कहाँ कहाँ से ब्लॉक होगा, डोमेन से, प्राइवेट से, पब्लिक से, फिर नेक्स्ट का बटन दबाया, वो कह रहा है क्या नाम है, क्या चीज आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो मैं COREL कोरल DRAW कोरल ड्रा X6 को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दें, BLOCKED, ये जो मैंने लिखा है ये अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, ठीक है। आप जो मर्जी लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी है, ABC लिख दें, लेकिन मुझे ये पता है आइंदा याद रहेगा कि मैंने कोरल ड्रॉ X6 को ब्लॉक किया था। फिनिश का बटन दबाया, ये क्या चीज आ रही है, अच्छा इसको बंद कर दे, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये देखें कोरल ड्रॉ X6 जो है वो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन ये इन बाउंड में से हुआ है, इसको आउट बाउंड से भी ब्लॉक करें। आउटबाउंड पे भी मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहां पे जाके न्यू रूल पे क्लिक किया, न्यू रूल पे जाके दोबारा क्या चीज है, प्रोग्रामिंग ब्लॉक करने लगा हूं। नेक्स्ट पे गया, दिस प्रोग्राम पाथ, प्रोग्राम का पाथ बताएं, ब्राउज किया तो इस दफा देखें सामने खुद ही आ गया, वही सारी सर्च आ गई है। तो मैंने यहां से ये कोरल ड्रॉ सिलेक्ट किया, करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट के बाद मैंने ब्लॉक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या चीज है, कोरल COREL कोरल DRAW X6, मैं X6 क्यों पूरा लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास X4 भी पड़ा हुआ है तो मुझे कंफ्यूजन ना हो कल को, BLOCKED ब्लॉक, ठीक है, स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फिनिश कर दिया। अच्छा अब एक चीज तो होगी, मैं इनबाउंड पे दोबारा जा रहा हूं और यहां जाके मैं न्यू रूल पे जा रहा हूं, और न्यू रूल पे जाने के बाद इस दफा प्रोग्राम पे गया हूं, नेक्स्ट पे गया हूं, नेक्स्ट पे जाने के बाद ब्राउज पे गया हूं, और मैंने जाके ये जो कोरल ड्रा है पेंट वाला जो है इसको भी मैंने जो है फोटो पेंट जो है इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। कोई पता नहीं मैं कल को इसको यूज करूँ और ये नेट पे चला गया, मुझसे नेट ऑन हुआ और ये मैं यूज कर रहा हुआ, तो ऐसा ना हो ब्लॉक हो जाए, तो मैं इसको भी ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट किया, दोबारा यहां से नेक्स्ट किया, उसके बाद ये फोटो पेंट है COREL कोरल PP के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, और क्या किया मैंने इसको BLOCKED ब्लॉक्ड कर दिया मैंने, फिनिश किया। द सेम थिंग आउटबाउंड में भी जाके इसको मैं न्यू रूल में जाके इसको भी मैं वहां से ब्लॉक करूंगा। नेक्स्ट का बटन दबाया, ब्राउज पे क्लिक किया, और यहां से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें और साथ साथ इंप्लीमेंट करें, ताकि आप इसको समझ सकें। ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट, और ये उसके बाद फिर यहां से नेक्स्ट किया, और नेम, नेम में जाके मैंने लिख दिया COREL कोरल, और उसके बाद DRAW कोरल ड्रा या कोरल PP रख दिया इसका नाम भी, और यहां से फिर इसको भी BLOCKED ब्लॉक कर दिया मैंने, यहां से इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। ये देखें आपके सामने ब्लॉक हो चुका हुआ है, ठीक है, और ये नीचे दूसरा भी ब्लॉक है। अब मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे देखें हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है। बाकी ये कीजेन वगैरह सारी चीजें बंद कर दें, ठीक है। आमिर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएं। ये इंस्टॉलेशन एक दफा देखेंगे याद रहेगी, लेकिन बाद में फिर भूल जाएगी, तो इसको यूज करना शुरू करें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।